हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं बिहार के छपरा में हुए बवाल की। आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा हो गया जो खूनी संघर्ष में बदल गया। छपरा में चुनाव बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। छपरा में कल ही मतदान हुआ था और मतदान के दिन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। बाद में सब कुछ शांत हो गया लेकिन आज सुबह एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। फायरिंग हुई जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, दो लोग जख्मी हो गए। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर शव के पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया जिसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद भीड़ पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने दो दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। पुलिस ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया है। तो यह स्थिति छपरा में देखने को मिली है। बिहार के छपरा में बवाल, चुनावी हिंसा, सियासी संग्राम, दो चरण बाकी, आर पार की लड़ाई। ये तस्वीरें बिहार के छपरा के भिखारी ठाकुर चौक की है। ये वो तस्वीर है जिसने बिहार की चुनावी लड़ाई को हिंसा में बदल दिया है। आरजेडी और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ हो गए। दो गुटों के कार्यकर्ता इस कदर एक दूसरे के दुश्मन बने कि पुलिस को मामला शांत कराने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। बताया गया कि छपरा में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच फायरिंग हुई। बिहार के छपरा में हुई हिंसा में एक आदमी की मौत हो गई, दो लोग घायल। वह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई और आरजेडी, हाँ बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल एक मृत्यु है और दो घायल हैं। कार्यकर्ता जब शव लेकर चौक पर पहुंचे तो हंगामा हो गया। बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ताओं में फिर झड़प हुई जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। पुलिस ने बीजेपी के दो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के छपरा में दो दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। यहाँ पे मौजूद है पुलिसकर्मी, लगातार जो है एक्शन मोड में दिख रहे हैं। जो बताया जा रहा है कि रमाकांत सोलंकी, जो बीजेपी के एक बड़ा नाम है छपरा के, उनको गिरफ्तार किया गया। यही वो बाइक है जो जिस युवक की हत्या हुई है उसकी ये बाइक है। अब देख सकते हैं कि बाइक क्षतिग्रस्त हालत में यहाँ पे पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जो इसमें बड़ी खबर जो इस बात निकल करके आ रही है कि जो दो बीजेपी कार्यकर्ता है जो बीजेपी से रिलेटेड है उनको गिरफ्तार कर लिया गया और छपरा में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। चूंकि ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेट सेवा शुरू होने से तनाव और बढ़ सकता है, तनाव कम करने की कोशिशों के तहत इंटरनेट सेवा को बंद करने की बात कही जा रही है एसपी के द्वारा। शहर में तनाव इस कदर फैला कि पुलिस को इलाके में फ्लैग मार्च करना पड़ा। हंगामे को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले दो दलों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा किया था। इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ पे कैंप कर रही है। हमने दो दिन के लिए इंटरनेट बंद कराने का भी आदेश दिया है और सभी क्षेत्रों में पुलिस को एक्टिव किया है। जो हमें पता चला है, जो घटनाकारित किए हैं उनमें से दो लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया है और सभी से अपील करूँगा शांति बनाए रखें। जिसने गलत किया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई इंसाइट करने का कोशिश करेगा मॉब को, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिसने भी इस घटना के पीछे इंसाइटमेंट में काम किया होगा उसको भी चिन्हित करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए। अब समझिए कि पूरा विवाद कैसे बढ़ा। कल वोटिंग के दौरान आरजेडी की सारण से प्रत्याशी रोहिणी आचार्य छपरा के एक बूथ पर पहुंची थी। बूथ नहीं छपाएगा, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं।
टाइम ओवर हो गया, बूथ छपाने। उनके बूथ पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। बूथ नहीं छपाएगा, बूथ नहीं, आप जाइए, आप बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, बूथ नहीं छपाएगा, आप जाइए, आप बूथ छपवाने के लिए आई हैं, 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 बूथ नहीं छपाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोहिणी आचार्य पर लोगों से गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और आरजेडी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कल किसी तरह पुलिस ने मामला शांत करा दिया, लेकिन एक दिन बाद फिर आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दो गुटों में हुई हिंसा में एक की मौत हो गई, जिसे लेकर बीजेपी और जेडीयू आरजेडी पर हमलावर है। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी तत्व के लोग हैं उनको अंदाजा नहीं है कि ये 2005 के पुरानी वाली सरकार नहीं है कि आप चुनाव में हंगामा करेंगे, आपराधिक घटनाएं करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपराधी हैं जिन्होंने भी इस घटना को अंजाम दिया है और जिसके भी संरक्षण में दिया है, उन सबको महंगा पड़ेगा और पूरी तरह से उन पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। पांचवें चरण में सोमवार को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ था। इस चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग हुई थी, लेकिन सारण सीट पर वोटिंग के दौरान और उसके बाद जबरदस्त हंगामा और हिंसा हुई, जिसे लेकर अब सियासी तकरार भी जारी है। और छपरा में हुए इस बवाल को शांत कराने की जगह हिंसा की आग में घी डालने वाले एक्टिव हो चुके हैं। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य बीजेपी पर आरोप मढ़ रही हैं, तो बीजेपी से आरजेडी लीडरशिप के इशारे पर हुआ हंगामा बता रही है। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है हर एक बूथ पे, आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ वहाँ पे, हम बूथ लूटने गए थे कि गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में, उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए, तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है, उसके बाद से ये लोग पत्थर बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। जो वीडियो फुटेज आया है उसमें माननीय रोहिणी आचार्य के साथ भोला यादव कैसे दिख रहे हैं? भोला यादव जी तो दरभंगा के रहने वाले हैं, तो आखिर वहां कैसे नजर आ रहे हैं? इस सवाल पर चुनाव आयोग को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही साथ लालू जी के पूरे परिवार और पूरे सिस्टम का, मोबाइल का जांच होना चाहिए। चौसर के खेल में हर चाल खुद को जीत के करीब ले जाने के लिए चली जाती है, लेकिन सियासी चौसर में चाल कौन चल रहा है, कहां से चल रहा है और किसकी गोटी आगे बढ़ती दिख रही है, इसका कभी भी वक्त से पहले अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम बात कर रहे हैं स्वाति मालीवाल केस की। दिल्ली सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल से अभद्रता हुई, इस कांड की जांच तेज हो गई है। दिल्ली पुलिस आज दोपहर 2:30 बजे की फ्लाइट से विभव को मुंबई लेकर निकली, क्योंकि मुंबई में ही विभव कुमार ने अपना मोबाइल फॉर्मेट किया था। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में है, पुलिस को उम्मीद है कि इससे लीड मिल सकती है। तो दूसरी तरफ स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। तेरह मई की घटना के एक एक सबूत की तलाश, दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्शन में पुलिस। सबूत बोलेंगे 13 मई की घटना के राज। हाई प्रोफाइल पिटाई कांड की कहानी में कितने किरदार हैं, कितने रहस्य हैं, कितनी और कहानियां हैं, इन तमाम सवालों के जवाब बाहर आना बाकी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है।
खबर है कि अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार से मुंबई में ही पूछताछ होगी, क्योंकि विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट किया था। इस दौरान पुलिस ये भी पता लगाएगी कि मुंबई में विभव कुमार किन किन लोगों के संपर्क में थे। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल समेत पूरी आम आदमी पार्टी के रुख पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। मैं एक और गंभीर प्रश्न पूछना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी, जो कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूब कर एक नया कीर्तिमान बना चुकी है, उसके अनेक नेता जेल में जा चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी जेल गए, संजय सिंह जी जेल गए, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, परंतु आपने कभी केजरीवाल जी को उतना विचलित और उद्वेलित नहीं देखा कि वो सड़क पे निकलकर प्रदर्शन करने लगे जितना विभव कुमार की गिरफ्तारी की बात करने लगे, जबकि वो टेक्निकली पार्टी में कुछ भी नहीं आज की डेट में। ये राज क्या है, दिल्ली की जनता जानना चाहती है और देश की जनता जानना चाहती है। 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई की कहानी का सच है, ये अभी भी पर्दे के पीछे है। यही वजह है कि जांच टीम हर लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रही है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा छिपियाला को इस केस का जांच अधिकारी बनाया गया है। एडिशनल डीसीपी अंजिथा के अलावा उनके साथ 4 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जांच में शामिल है। इसमें सिविल लाइन थाने के SHO भी है जहाँ केस दर्ज किया गया है। इस केस में रोजाना हो रही तफ्तीश की रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले पुलिस टीम विभव के मोबाइल डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश में। इसके अलावा पुलिस इस मामले में रविवार शाम को ही DVR जब्त कर चुकी है, जिसके जरिए CCTV के ब्लैंक पार्ट को निकालने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, जांच टीम 13 मई को CM हाउस में हुई घटना का सीन भी रिक्रिएट कर चुकी है। उधर स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की FIR हुई है, इसलिए BJP के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे CM और LG दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाईकोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। विभव कुमार के खिलाफ कंप्लेंट देने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंघम थी और आज BJP एजेंट बन